होंडा की पॉपुलर क्रॉसओवर होंडा WRV का फेसलिफ्ट वेरिएंट कंपनी 2 जुलाई को लॉन्च करने जा रही है। आज की इस वीडियो में जानेंगे नई WRV फेसलिफ्ट में मिलने वाले फीचर्स के बारे में, इंजन स्पेसिफिकेशन, माइलेज और प्राइस के बारे में। और अगर आपने अभी तक OKCAR247 YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे इस चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। दोस्तों, होंडा की इस पॉपुलर क्रॉसओवर को अप्रैल में लॉन्च किया जाना था, लेकिन लॉकडाउन के चलते इसकी लॉन्चिंग डेट बढ़ा दी गई और अब कंपनी इसको 2 जुलाई को लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर इसकी जानकारी दी, साथ ही कुछ स्पेसिफिकेशन निकल करके सामने आ रही है जिसमें कंपनी ने इसके बारे में आपको बताया है। इस वीडियो में हम आपको इसके लॉन्च डेट, प्राइस, वेरिएंट्स, पावर स्ट्रेन, फीचर्स और सेफ्टी फीचर्स के अलावा इसके माइलेज के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, ये गाड़ी 2 जुलाई को लॉन्च होने जा रही है। इसके प्राइस की बात करें तो जो पुरानी वाली WRV थी उससे तकरीबन 50,000 रुपए महंगी हो सकती है। ये डीजल और पेट्रोल दोनों ही वेरिएंट में आएगी। इसके अलावा इसमें सिर्फ 2 वेरिएंट आपको देखने को मिलेंगे, SV और VX। इसके अलावा इसमें जो इंजन आपको मिल रहे हैं, डीजल और पेट्रोल इंजन, सबसे पहले बात करें पेट्रोल इंजन की, जो पेट्रोल इंजन है वो 1.2 लीटर का है और 90 PS की पावर और 110 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। डीजल इंजन की बात करें, जो 1.5 लीटर का डीजल इंजन है वो 100 PS की पावर और 200 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। दोनों ही इंजन में 5 स्पीड गियरबॉक्स स्टैंडर्ड दिया गया है और जबकि डीजल इंजन के साथ आपको 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिल जाएगा। हालांकि इन इंजन में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया जाएगा या नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है। हालांकि पिछली वाली WRV यानी ओल्ड वेरिएंट जो था वो सिर्फ मैनुअल में आता था। लॉन्चिंग के साथ ही ये खुलासा भी हो जाएगा। होंडा WRV फेसलिफ्ट के स्टाइल और लुक के बारे में बात करें तो इस गाड़ी का फ्रंट लुक बदल दिया गया है। इसमें आपको ब्लैक इंसर्ट के साथ नई LED फॉग लैंप हाउसिंग दी गई है, जिसे कार पहले के मुकाबले ज्यादा बोल्ड हो गई है। नई वाली WRV के फेसलिफ्ट वेरिएंट में आपको इंटीग्रेटेड DRL मिल जाएंगे। इसके साथ पोजिशनिंग लैंप मिल जाएगा, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी मिलेंगे और पीछे की तरफ आपको एडवांस सी शेप LED रियर कॉम्बिनेशन लैंप दिए जा रहे हैं। गाड़ी के इंटीरियर में वैसे तो कोई बड़े चेंजेस नहीं किए गए हैं, लेकिन स्पोर्टी लुक देने के लिए इसमें आपको लेदरेटे अपोल्स्ट्री देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इस पर टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा जो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करेगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलने वाले हैं, जैसे कि क्रूज कंट्रोल्स, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन और सनरूफ मिल जाएगा। इसके अलावा सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इस गाड़ी में आपको ABS के साथ EBD मिल जाएगा, डुअल फ्रंट एयरबैग्स स्टैंडर्ड वेरिएंट में मिल जाएंगे, रियर पार्किंग कैमरा और रियर पार्किंग सेंसर्स भी इसमें आपको मिल जाएंगे। बात करें होंडा WRV के राइवल्स के बारे में तो ये गाड़ी पहले की तरह ही मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा, टाटा की नेक्सॉन, ह्यूंडई की वेन्यू, फोर्ड इको स्पोर्ट, महिंद्रा XUV 300 के साथ साथ अपकमिंग जो कार है इसी रेंज की, किया सोनेट, रेनो काइगर, टोयोटा अर्बन क्रूजर, निसान मैग्नाइट के साथ कम्पीट करेगी। ये इसके राइवल्स हैं अपकमिंग कार्स और जो अभी मार्केट में अवेलेबल हैं उन कार के साथ इसका मुकाबला होगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें 2 इंजन ऑप्शन मिलेंगे, पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल 1.2 लीटर का होगा और डीजल 1.5 लीटर का होगा। माइलेज की बात करें तो लीक रिपोर्ट के मुताबिक WRV के फेसलिफ्ट वेरिएंट के पेट्रोल इंजन में आपको 16.5 KMPL का माइलेज मिलेगा, वहीं डीजल वेरिएंट में 23.7 KMPL का माइलेज मिल जाएगा। जो BS4 मॉडल था उसके मुकाबले इसका माइलेज थोड़ा कम है। WRV का जो ओल्ड वेरिएंट था यानी पुरानी BS4 मॉडल जो था, उसमें आपको पेट्रोल का 17.5 KMPL और डीजल का माइलेज 25.5 KMPL मिल जाता था। माइलेज कम है लेकिन लुक जबरदस्त है, गाड़ी सामने से बहुत ही शानदार नजर आ रही है। हमने जो सनरूफ वाली गाड़ियों की वीडियो बनाई थी उसमें इसको शामिल किया गया था, इसके पुराने वाले वेरिएंट को, जहां पर 10,35,000 रुपए में इसका सनरूफ वाला वेरिएंट आपको मिल जाता था। अब जो WRV का फेसलिफ्ट वेरिएंट आ रहा है, अब देखना ये होगा कि इसमें कितना पड़ता है, क्योंकि 50,000 रुपए महंगी होगी पुरानी वाली से, तो इसका मतलब वो भी तकरीबन 11.25 लाख रुपए में आपको इसका सनरूफ वाला वेरिएंट मिल जाना चाहिए। ये सारी जानकारी तो लॉन्चिंग के बाद ही सामने आएंगी, 2 जुलाई को लॉन्च है। अगर आप एक गाड़ी खरीदने के इच्छुक हैं तो करीबी होंडा डीलरशिप पे जाके 21,000 रुपए में इसको बुक करवा सकते हैं। सारी ही डीलरशिप पे इसको पहुंचाना शुरू कर दिया है और तकरीबन महानगरों में तो सारे ही डीलर्स पे ये गाड़ी पहुंच चुकी है।
इस गाड़ी की कीमत 8.5 लाख रुपए से 11 लाख रुपए के बीच रह सकती है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा रिव्यू अपकमिंग WRV फेसलिफ्ट वेरिएंट का। ये गाड़ी 2 जुलाई को लॉन्च की जाएगी। लॉन्चिंग के दौरान काफी सारे नए सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं, खरीदने के इच्छुक हैं, तो नजदीकी होंडा डीलरशिप पे जा करके इस गाड़ी को 21,000 रुपए में बुक करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन बुक कराना चाहें तो ऑफिशियल साइट से जाकर के इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को देखने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस की जानकारियां मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।